राम राम आप सभी को। कुछ चीज़ें देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब लोग कहते हैं हम वो हिंदू राष्ट्र से आते हैं जहाँ पर ऐसी कुछ गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी ही चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो कि हो रही हैं और बहुत सारे लोग इस बात को देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ चीज़ें आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, शायद आप भी इन सारी चीज़ों को देखोगे तो आप भी एक बार सोच पड़ जाओगे क्या लोग अब भी ऐसा कर सकते हैं। आप खुद सोचिए कि जिस भगवान की पूजा हम कई सालों तक करते हैं उसके बाद उन्हीं के साथ ही हम क्या करते हैं। अगर आपके कोई परिवार का सदस्य हो उनके साथ अगर ऐसा कुछ किया जाए तो कैसा लगेगा, आइए वही आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने वाला हूं। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देख कर जाएं, और अगर वीडियो को अच्छी लगी और कोई आपका सुझाव है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो देखिए अभी मैं आया हूँ, अभी आपने देखा मैं कैसे आ रहा हूँ। ये देखिए जगह है, एक पीपल का वृक्ष है, अभी आपको पूरी अच्छे से दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं पहुँचा और यहाँ पर पहुँचने के बाद मेरे को इतना बुरा लगा देखकर कि जैसे नवरात्रि का व्रत होता है, नवरात्रि के व्रत के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप घास वगैरह देख रहे हैं, घास वगैरह को यूं ही लाकर यहाँ पर पटक के या फेंक कर चले गए हैं। ऐसी ही बहुत सारी मूर्तियाँ हैं भगवान की यहाँ पर, जो कई सालों तक लोग अपने घर में पूजा अर्चना करते हैं। आप ये देखिए भगवान श्री राम का पूरा परिवार, और ये हैं भगवान भोलेनाथ। आप खुद देखिए कि मैं इसको उठा रहा हूँ तो मुझे खुद इतना बुरा लग रहा है कि मतलब लोग यूं ही ऐसे लाकर फेंक कर चले जाते हैं, उनको क्या। अभी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें यहीं पर दिखाने वाला हूँ कि आपको लगेगा कि आखिर में लोग कैसे निर्दयी हो सकते हैं, क्या कलयुग अपना जो है चरण धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है कि लोग। आप खुद देखो ये एक मूर्ति रखने का स्थान है या फिर एक कचरा फेंकने का स्थान है, आप खुद देखो इस जगह को। ये ऐसा लग रहा है जैसे कचरा फेंकने का स्थान है और वहाँ पर यूं ही देखो, आप खुद देखो मूर्तियों को यूं ही ऐसे लाकर फेंक कर चले गए। अभी आपको और चीज़ दिखाता हूँ, गणेश जी की अगर ये मूर्ति जब खरीदी होगी तो उसको कई सालों तक तो लोगों ने पूजा किया होगा, आखिर में कुछ समस्या आई, कुछ दिक्कत आई तो उसको लाकर यूं ही उसको फेंक कर चले गए। ये इन मूर्तियों को अगर पानी में डाल दो तो गल के ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल मिट्टी बन जाती हैं। लेकिन अब आप देखो कि कितनी सारी मूर्तियां भगवान की, कितनी सारी प्रतिमाएं आप देखोगे तो मेरे को तो मैं वहां पर वीडियो बना रहा था लेकिन मेरा मन ये कह रहा था आखिर में लोग कैसे हो गए हैं, क्या हो गया। आप देखो छोटी छोटी मूर्तियां जो दिवाली पर पूजा करने के लिए लोग लेते हैं, अपने घर में पूजा पाठ करने के लिए लेते हैं, कुछ खास त्यौहारों के लिए पूजा करने के लिए लेते हैं, उसके बाद उन मूर्तियों को लाकर देखो यूं ही लोग ऐसे ही फेंक कर चले जाते हैं। आप खुद सोचो जिन मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर उनसे बोलते हैं भगवान मेरे घर में सब कुछ ठीक रखना, मुझे ये चाहिए, और अलग अलग ख्वाहिशें बतलाते हैं, लेकिन ये लोग आखिर में इतना बदल कैसे सकते हैं। आप ये देखिए ग्रिल के पीछे एक मूर्ति ऐसी हुई किसी ने फेंक दी है। मैं सच बता रहा हूँ कि ये इतने निर्दयी लोग हो चुके हैं, या कलयुग का ही कह लो कि अपना प्रसार जो है धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ जा रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा है आखिर में लोग कर क्या रहे हैं। आखिर में लोग अपने घर से इन मूर्तियों को ले जाकर कैसे कोई इन जगहों पर फेंक कर आ कर सकता है, आप खुद सोच कर देखो। अभी आपको और चीज़ें दिखाता हूँ यहीं पर, मैं तो खुद परेशान हो गया था इन सारी चीज़ों को देखकर कि आखिर में लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। आखिर जब भगवान की पूजा कर रहे हो, भगवान की मूर्ति ले रहे हो, उसके बावजूद आप इतनी बड़ी गलती कैसे, जितनी पूजा आप कर रहे हो उससे ज़्यादा तो आप पाप के भागीदार बन रहे हो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो। आप खुद देखो पीपल का वृक्ष और उस पर कई सारी चुनरियाँ बांधी हुई हैं, ऊपर भी चुनरियाँ बहुत सारे लोगों ने बांधी हुई हैं। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से एक घिनौना काम कह सकते हैं किया जा रहा है, और इस जगह जहाँ पर कि भगवान की मूर्तियों को रखने की कह लो या फिर लोग फेंक कर ही जा रहे हैं एक तरीके से, तो उस जगह को एक तरीके से कचरा बना दिया गया है। आप खुद ही देखो कि ये इस तरीके से कुछ जगह ये देखने को मिलती है, और उसके बावजूद भी लोग नहीं सुधर रहे हैं और वो यूं ही इतनी सारी गलतियां करते हुए जा रहे हैं। जिन मूर्तियों को कई सालों तक लोग पूजा अर्चना करते हैं उन्हीं से हर एक फरमाइशें करते हैं भगवान के सामने। अब सोचो कि लड्डू गोपाल, ये लड्डू गोपाल के कपड़े मैं आपको स्पेशल दिखा रहा हूँ कि लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है और लड्डू गोपाल का जो कपड़ा होता है, लड्डू गोपाल को पालना इतना आसान नहीं होता। हर दिन सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम उनको जो है कपड़े चेंज कराना, नहाना नहलाना, उसके बाद उनका जो है नाश्ता जो है दूध वगैरह पिलाना, ये सारे काम जो किए जाते हैं, लेकिन उनके लड्डू गोपाल के कपड़े को लोग यूं ही फेंक कर चले गए हैं। आप खुद देखो कि घर में जो मंदिर यूज होता है उसका, अगर घर में कोई दूसरी मंदिर आई तो उसको लोग यूं ही लाकर ऐसे रख कर चले गए, क्या वो यहाँ जो यहाँ पर लग कर गया हुआ है वो क्या ये नहीं सोच सकता कि आखिर में ये यहाँ पर क्या धूल फांकेगी मिट्टी में। अब यूं ही कोई यहाँ पर जाता है, हम लोग अगर मानते हैं भगवान को तो ठीक है, हम लोग थोड़ा देख कर जाएंगे, अगर रात में अगर कोई आता है तो क्या वो देख पाएगा इन सारी चीज़ों को। किसी के पैर के नीचे कोई मंदिर आ जाए, कोई मूर्ति आ जाए, तो उसके जीवन में
क्या मतलब समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी उसको भी नहीं पता होगा, लेकिन लोगों को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग तो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और लोग इनसे कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने पूजा करी, उसके बाद लाकर मंदिर को या जो भी मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं भगवान की, उनको लाकर यूं ही फेंक कर चले जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा गलत काम और बहुत ही ज़्यादा निर्दयी कह सकते हैं। इसके लिए तो ये कह सकते हैं कि उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा जो यूं ही भगवान के वस्त्र को यूं ही कोई फेंक कर चला जाता है। आप खुद सोचिए कि आखिर में इतना बड़ा पाप कोई कैसे कर सकता है। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और दूसरे लोगों को भी बताएं। अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करके उनको दिखाएं और बताएं कि ऐसी गलती कृपया करके ना करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए लेकिन वो हो रही हैं। आप खुद देखो कि रोड के किनारे पीपल के वृक्ष पर के पास में ये हरकत करना क्या अच्छी बात है। मैं तो जब वीडियो बना रहा था मेरी खुद एकदम एक तरीके से रूह कांप जाती थी। जिनके हम हमेशा पूजा अर्चना करते हैं उनकी मूर्तियों को लोग यूं ही फेंक कर चले जाते हैं। हालांकि आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप भी अब कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव दीजिए। और वीडियो को आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और शेयर करेंगे तो मुझे सपोर्ट जरूर